Hello guys, welcome to my channel. Today we will see next video for the words problem related to LCF. Okay, and you can see here I have already written the questions. Okay, let's begin doing this. And अगर content अच्छा लगे, अगर समझ आए इस video से, तो please do not forget to do likes. And जिन्होंने subscribe नहीं किया, please go and subscribe my channel. See. What's the first question of third A is written? Find the smallest number, मतलब वह छोटा number निकालिए ढूंढिए that leaves जो leaves five as remainder, क्या दे five remainder बचे, मतलब वो ऐसा छोटा number ढूंढिए जिसमें five remainder बचे जब when divided by 36 and 54, वो ऐसा smallest number हमें ढूंढना है जो 36 एंड 54 से जब डिवाइड हो तो क्या निकले 5 एज अ रिमाइंडर बचे. जैसे कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो 36 से डिवाइड हो तो भी 5 बचे लास्ट में रिमाइंडर, और अगर 54 से डिवाइड हो वो नंबर नहीं पता तो भी क्या बचना चाहिए 5 रिमाइंडर बचना चाहिए. तो यहाँ और यहाँ सेम नंबर आएगा लेकिन वो सेम नंबर क्या है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दैट नंबर. तो हम लोग क्या, एक तो पहली बात यहाँ क्या लिखा है स्मॉलेस्ट, तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एलसीएम. ओके, सो हाउ वी विल राइट, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड नंबर वो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वो रिक्वायर्ड नंबर है इज इक्वल टू फाइव प्लस एलसीएम ऑफ 36 एंड 54. गॉट इट, वी विल, व्हाट वी विल डू, तो वो जो नंबर होगा एलसीएम ऑफ 36 और 54 में 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा. मतलब यहाँ और यहाँ कौन सा वो नंबर आएगा तो वो नंबर हो जाएगा, ठीक है. देखो एचसीएफ के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम लोग क्या करते थे, जो भी रिमाइंडर बचता था, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहता था कि रिमाइंडर इतना बच रहा है उतना बच रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो भी नंबर होता जैसे 36, तो 36 में से पहले ही रिमाइंडर माइनस कर लेते थे और जो आता था उसका एलसीएम निकालते थे, ठीक है. लेकिन इस केस में क्या करना है, हम लोग को पहले एलसीएम निकालना है और उसमें फिर 5 क्या करना है, ऐड कर देना है. ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम 36 एंड 54 का. 36 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं और 54 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज़ द, व्हाट वी विल डू, विल राइट हियर 2, 18 टाइम में 2 से 9, 3 से 3, कट 2 से जब 54 को कट करेंगे विल गेट 27, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे 9 और ये 3 से डिवाइड करेंगे 3. तो सी 36 के लिए क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, 2 × 2 × 3 × 3, ओके. एंड 54 के लिए लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, है ना. सी ना व्हाट विल डू, एलसीएम ऑफ 36 एंड 54 इज इक्वल टू, देखो अब 2 रिपीट यहाँ भी, 2 रिपीट यहाँ भी, तो यहाँ 2 जो है 2 बार और यहाँ पे कितनी बार, 1 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ, 2 बार, 2 × 2, ओके. नाउ इंटू यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, लेकिन 3 हाईएस्ट कितनी बार, यहाँ 2 बार और यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार, तो विल 3 × 3 × 3, ओके, 3 बार हाईएस्ट है तो 3 बार, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 एंड 36 × 3 वी विल गेट 108, ठीक है. तो ये तो एलसीएम आया, लेकिन वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 5, ओके, जो रिमाइंडर था 5 प्लस एलसीएम कितना आया 108, 5 + 108 यानी क्या आ गया 113. मतलब ये जो 113 है, अगर आप 113 को 36 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 होगा, अगर इससे आप 112 को 113 को डिवाइड करते हो तो आपको 36 तो 5 रिमाइंडर आएगा, और अगर इसी 113 से 54 को डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो भी इस केस में भी क्या आएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस 113 इज द स्मॉलेस्ट नंबर
दैट लीव्स फाइव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 and 54. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. सी बी नंबर, इट इज रिटन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड रिड्यूस, रिड्यूस्ड हो या रिमाइंडर लिखा हो, ठीक है ना, बोथ आर सेम थिंग. ओके ना, ये एज अ रिमाइंडर या रिड्यूस, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाता है. तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय टू बिकम डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस. मतलब वो एक ऐसा नंबर बताइए, ठीक है ना, जो अगर उस नंबर में से टू माइनस कर ले, जो नंबर है उसमें से अगर टू माइनस कर ले हम, ठीक है, तो इन सब से तीनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा. तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से अगर टू माइनस करेंगे तो वो इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है. अगेन हियर इट इज़ रिटन स्मॉलेस्ट, तो फिर से उसी तरीके से करेंगे हम, लिखेंगे सॉल्यूशन बी का, ठीक है, बी के लिए लिखेंगे वी विल राइट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो भी. तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पे लिखा एलसीएम ऑफ 36 and 54, पहले लिख दो या फिर 5 ऐड करो, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 24, 48 and 64 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल करके 2 को ऐड कर देंगे, है ना. तो लेट्स टेक आउट द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स. यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों का एलसीएम निकाल लें. एंड 64, चलिए 2 से डिवाइड होगा ये 24, विल गेट 12. 2 से डिवाइड होगा विल गेट 6. 2 से डिवाइड होगा विल गेट 3. 2 से डिवाइड होगा विल गेट 24. 2 से डिवाइड होगा 12. 2 से डिवाइड होगा 6. 2 से डिवाइड होगा 3. 2 से डिवाइड होगा 32. 2 से डिवाइड होगा ये हो गया 16. अगेन 2 से डिवाइड होगा 8. ये 2 से डिवाइड होगा 4. 8 2. चलिए रिटर्न ना, इसे हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 24, 48 and 64 के लिए 2 into 2 into 2 into 3, है ना. फिर इसके लिए 48 के लिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3. एंड हियर 64 के लिए हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times. Now LCM is equal to LCM of 24, 48 and 64 is equal to, see which numbers are repeated, 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, लेकिन 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 बार. तो हाईएस्ट कितनी बार है, 6 बार, 2 3 4 5 6, ओके. एंड यहाँ 3 यहाँ भी रिपीट है और यहाँ भी, और यहाँ नहीं है, तो 3 यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार, तो हाईएस्ट कितनी बार है, एक बार. चलो 2 into 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 into 3, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 64 into 3 विल गेट 192. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ इतना विल गेट 192 और उसमें ये 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट 194. तो कहने का सेंस है ये जो 194 है ये अभी आपका इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप 194 में से 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट 192, ओके. तो ये जो 192 होगा वो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल और होगा, और इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है. तो करना क्या था, जो भी नंबर दिया उसका एलसीएम निकालो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ दो ना उस एलसीएम में, ठीक है. तो एलसीएम निकाल लिया और उसमें 2 जोड़ दिया, और ये नंबर जो होगा उसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा वो तीनों से डिविजिबल होगा, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर और नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज इन अ रो ऑफ 9 and 15. देख 9 या 15 कह रहा है कि आपको
वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मतलब चेयर के नंबर को पता करना है, ठीक है, जो कि 9 या 15 रोज में अरेंज हो सके, 9 या 15 रोज में अरेंज हो सके, ठीक है. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर ढूंढने. तो अगेन हियर रिटन स्मॉलेस्ट, तो वी विल राइट द स्मॉलेस्ट या द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू, अगेन वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9 and 15. ओके, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. ओके, या और लिखा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का, मतलब वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. विल फाइंड हियर, 3 से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम है, 3 से ये डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है. नाउ 15, 3 से डिवाइड होगा ये 5 टाइम में, 5 से ये 5 1 टाइम. ओके, देन व्हाट इज, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. 9 के लिए 3 into 3, एंड फॉर 15 वी कैन राइट 3 into 5. नाउ टेल मी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 and 15 इज इक्वल टू 3, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, तो कितनी बार हाईएस्ट है, यहाँ 2 बार है ना, तो 2 बार हाईएस्ट है, ठीक है. 5 यहाँ है और यहाँ नहीं है, और 5 यहाँ है, तो कितनी बार हाईएस्ट है, 1 बार मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 45. मीन्स व्हाट, कि क्या होगा आंसर, मतलब 45 चेयर्स को या तो आप 9 रोज में या तो 15 रोज में कंप्लीटली अरेंज कर सकते हैं, है ना. तो हेंस 45, यू कैन राइट 45 चेयर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, हेंस 45 चेयर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. जैक एंड जिल स्टैंड ऑन अ सेम टाइल. मान लो यहाँ जैक खड़ा है, ठीक है, जैक इज स्टैंडिंग हियर, एंड यहाँ पे जिल है, ठीक है, ये जिल है और ये जैक है, जैक एंड जिल. ओके, जैक एंड जिल स्टैंड ऑन द सेम फ्लोर, सेम टाइल ऑफ अ फ्लोर. यहाँ पे वो दोनों एक जगह पे खड़ा है. नाउ जैक स्टार्ट जंपिंग टू एवरी थर्ड टाइल इन अ रो, एंड जिल स्टार्ट जंपिंग ऑन एवरी सेकेंड टाइल. तो देखो, मान लो कभी कभी हम लोग गेम भी खेलते हैं ना, तो जैक क्या करता है, हर तीसरे वाले टाइल पे जंप करता है, ठीक है. सपोज ऐसे टाइल लगा है, तो जैक क्या करता है, हर तीसरे वाले पे जंप करता है, और जिल क्या करता है, हर दूसरे वाले पे जंप करता है, ठीक. देखो, जैक यहाँ से फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ जैक हर तीसरे वाले पे जंप करेगा, ठीक है, और जिल क्या करेगा, हर दूसरे वाले पे, यहाँ इस पे, फिर वो इस पे, फिर वो इस पे जंप करेगा, ठीक है. तो कह रहा है कि ये क्या था, जैक क्या है, हर तीसरे वाले पे. तो देखो, ये यहाँ पे तो स्टैंडिंग था वो, तो यहाँ से एक छोड़ के दो, तीसरा यहाँ, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टाइल कर दिया है, तो यहाँ पे तो स्टैंड था, तो वो यहाँ पे आया, फिर एक दो तीसरे पे कूदेगा, ये यहाँ पे था, यहाँ से वो तीसरा यहाँ पे कूदेगा, ठीक है, यहाँ से फिर वो एक छोड़ के यहाँ कूदेगा, फिर यहाँ कूदेगा, ठीक है ना. अब क्या कह रहा है कि Which is the first tile on which both lands? मतलब, तो देखो कौन सा ऐसा टाइल होगा जिस पे दोनों ही लैंड करेगा. तो देखो, यहाँ पे भी 7 नंबर और यहाँ पे भी ऐसे देखा जाए तो 7 नंबर पे दोनों लैंड कर रहा है ना. या फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ से काउंटिंग ना करके, 1 यहाँ से ना करके 1 2 3 4 5 और ये 6th वाले पे, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं देते हम लोग जहाँ खड़ा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ओके, से दिस फिगर अगेन. जैसे यहाँ वो है, तो फर्स्ट वो थर्ड वाले पे लैंड करेगा, फिर यहाँ से वो यहाँ लैंड करेगा, 3-3 के गैप में. ओके, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो सबसे पहले
यहाँ लैंड करेगा, उसके बाद यहाँ लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सेम नंबर ऑफ लैंड पे आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो कौन से टाइल पे वो मिला, सिक्स नंबर टाइल पे दोनों मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम। ऐसे समझने की बात तो सिक्स आ गया कि सिक्स नंबर टाइल पे दोनों क्या कर जाएगा, फर्स्ट टाइम मिलेगा सिक्स नंबर टाइल पे। लेकिन हम लोग अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। ओके सी, देखते हैं एलसीएम से हमारा आता है या नहीं। राइट, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ टू एंड थ्री। एंड यू कैन सी टू एंड थ्री बोथ आर प्राइम नंबर, तो टू इंटू थ्री एल सी एम क्या होगा, टू इंटू थ्री कर देंगे विल गेट सिक्स। ठीक है, इंटू इसलिए नहीं किया गया कि मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से नहीं, टू को अगर ब्रेक करेंगे तो टू से टू कितनी बार में डिवाइड होगा, वन टाइम में। और थ्री को जब फैक्टराइज करेंगे थ्री से थ्री, तो टू के लिए प्रोडक्ट क्या, टू इंटू वन, एंड थ्री के लिए क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन। तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री इज इक्वल टू, वन का तो छोड़ ही दो, टू एक बार रिपीट और थ्री भी एक बार, टू इंटू थ्री सिक्स। तो सिक्स आ गया ना, डायरेक्टली कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिक्स यानी लिख सकते हैं हेंस जैक एंड जील बोथ फर्स्ट lands on sixth tile. Okay, now come to the next one. See what is the next question is written. Question number six, the alarm on two mobile phone ring together once. एक बार दोनों मोबाइल, दो मोबाइल रखा था, दो मोबाइल था, दोनों का एक बार फोन एक ही साथ बजा। ठीक है, if one rings every 15 minute, एक जो है हर 15 मिनट पे बजता है, एंड द अदर रिंग्स आफ्टर 25 मिनट, और दूसरा जो है हर 25 मिनट पे बजता है, तो बताओ कि कितने मिनट के बाद, हाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर। दोबारा दोनों कितने समय के साथ दोबारा से वो बजेगा। तो देखिए सी व्हाट विल डू, कहने का सेंस है एक हर 15 मिनट पे बजता, तो 15 मिनट पे बजा, अब क्या बजेगा, 30 मिनट पे बजेगा, फिर 45 मिनट, 15 15 के गैप पे, फिर 60 मिनट पे, फिर 75 मिनट, फिर 90 मिनट, ऐसे बजेगा। और दूसरा हर 25 पे मिनट पे बजा, फिर 50 मिनट पे बजेगा, फिर 75 मिनट पे। तो देखो दोबारा दोनों एक साथ कब रिंग करेगा, 75 मिनट पे, 75 मिनट पे, है ना। तो देखते ये तो हम लोग को समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक 15 मिनट पे बजता है और एक 25 मिनट पे बजता है। तो कह सकते हैं कि 15 मिनट के गैप पे बजेगा, तो एक और एक 75 मिनट के बाद भी एक बजेगा, और एक जो 25 मिनट के गैप पे बजता है वो पहले 25 मिनट पे बजा, फिर 50 मिनट पे बजा, फिर 75 मिनट पे बजा। ठीक है, तो ऐसा होगा के बाद, मतलब इतने के टाइम के बाद होगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या हो गया, 75 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, मिनट इज इक्वल टू वन आर 15 मिनट, यानी 1 आवर 50 मिनट। 75 मिनट को अगर चेंज करेंगे आर में तो क्या होगा, तो 1 आवर 50 मिनट, यानी 1 आवर 50 मिनट के बाद दोनों एक साथ क्या होगा, बजेगा। अब समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन समझ आ गए। सिक्स नंबर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ 15 and 25। ओके सी, तो विल फाइंड आउट द एल सी एम ऑफ 15 का 3 से डिवाइड 5 से डिवाइड 1। ओके 25 के लिए लिख सकते हैं 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड 1, डन। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 15 के लिए 3 into 5, एंड 25 के लिए 5 into 5। ओके तो एल सी एम इज इक्वल टू LCM of 15 and 25 is equal to, देखो 3 यहाँ रिपीट और इस लाइन में नहीं है, तो 3 एक बार ही है, तो 3
फाइव यहाँ और यहाँ है, यहाँ एक बार यहाँ दो बार, तो हम लोग क्या करेंगे फाइव इंटू फाइव ना, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव, हियर यू कैन सी। और ये किस में था, मिनट में ना, वी विल राइट हियर मिनट, और इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये मिनट है, तो देखो सेवेंटी फाइव आया ना, और यहाँ पे भी देखो हम लोग का डायरेक्ट अगर समझ रहे तो भी सेवेंटी फाइव आ रहा था ना, तो कह सकते हैं कि वन आर फिफ्टीन मिनट। और ये कैसे आया वन आर फिफ्टीन मिनट, अगर सेवेंटी फाइव मिनट को चेंज करेंगे तो वन आर फिफ्टीन मिनट आएगा सिक्सटी से डिवाइड करके, ठीक है। तो कह सकते हैं हेंस बोथ, हेंस द बोथ वेल रिंग अगेन आफ्टर वन आर फिफ्टीन मिनट्स। ओके, थैंक यू।